नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। खैर साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में हमने भारत पर अंग्रेजों की विजय से शुरुआत की थी और पहली कड़ी मैंने बंगाल विजय बताई थी। बंगाल जब विजय हो गया तो 1765 से लेकर के 1772 तक का दौर हमने बताया था द्वैध शासन का। कल के क्लास में हमने द्वैध शासन आपको समझा दिया था। अच्छा, तो नोट्स भी बनाते रहिएगा बहुत ध्यान से, एकदम से दिमाग में उतार लीजिए कैसे कहानी है, क्या क्या हुआ था। तो अंग्रेजों की जो लालच थी वो खत्म नहीं हुई, बंगाल तो विजय ही कर ले गए, लूट घसोट मचा दी बिल्कुल। अब लालच बढ़ता ही गया, होता है ना कि जो है थोड़ा मिलता है तो और एक लालच होती है, और मिल जाता, तो ऐसे ऐसे करके उनकी लालच बढ़ती गई। इसके बाद उनकी नजर किस पे गई, मैसूर राज्य पे। अब ये कौन सा राज्य है, तो मैसूर राज्य मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैसूर राज्य के बारे में ताकि आप लोग समझ जाएं। जो मैसूर राज्य है, तालीकोटा का युद्ध एक हुआ था 1565 ईस्वी में, उसके बाद तालीकोटा के युद्ध में जो तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था तो 1565 ईस्वी में जब हुआ था उसके बाद में मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा साथियों, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और आप लोग भूलें ना। तालीकोटा का युद्ध जब 1565 में हुआ तो जो विजयनगर साम्राज्य था जिसको हरिहर बुक्का ने बनाया था, मध्य भारत में पढ़ाऊंगा, मध्य भारत में वो सब है, मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं। तो तालीकोटा का युद्ध जब 1565 में हुआ उस समय विजयनगर जो राज्य था हरिहर बुक्का द्वारा जो बनाया गया था वो टूट टूट कर बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। उसी में से एक राज्य था मैसूर, और मैसूर राज्य पर उस समय किसका शासन था, वाडियार वंश का। उस समय मैसूर राज्य पर वाडियार वंश का शासन था। तो वाडियार, सुनते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, वाडियार वंश का शासन था उस समय मैसूर राज्य पे। और वाडियार वंश के जो शासक थे चिपका कृष्णराज द्वितीय, चिपका कृष्णराज द्वितीय 18वीं सदी में, 18वीं सदी के मध्य में होते और वही अंतिम शासक साबित हुए, मैसूर राज्य के अंतिम शासक साबित हुए। अच्छा, उस समय जब चिपका कृष्णराज द्वितीय का शासन था उस समय वास्तविक जो सत्ता थी मैसूर राज्य की वो दो मंत्रियों के हाथ में थी, कौन कौन, नंदराय और देवराय। तो नंदराय और देवराय दो मंत्री थे, नंदराज और देवराज, तो ये दो मंत्री थे, इन्हीं के हाथों में वास्तविक शासन सत्ता थी, चिपका कृष्णराज द्वितीय के शासन काल। तो नंदराय की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए कौन, हैदर अली, सैनिक के रूप में हैदर अली भर्ती हुए और अपने कुशलता और अपने जो है कुशलता और सशक्त सेना का जो है कमान संभालते हुए उन्होंने अपनी अपने कुशलता का परिचय दिया, और उस कुशलता के कारण ही धीरे धीरे वो 1760 में क्या किया उन्होंने कि नंदराज से मैसूर राज्य को छीन लिया और खुद शासक बन बैठे। कौन, हैदर अली खुद शासक बन बैठा, हैदर अली खुद शासक बन बैठा, क्योंकि वो कुशल था, बहादुर था, लड़ने में सक्षम था, नंदराज से उसने मैसूर राज्य को छीन लिया और खुद शासक बन बैठा। कब, 1760 ईस्वी में। अच्छा, 1760 ईस्वी में जब वो शासक बन बैठा मैसूर राज्य का हैदर अली, तो दो प्रतिस्पर्धी रहते थे उसके, परंपरागत दो प्रतिस्पर्धी थे तभी से, एक मराठे और दूसरा निजाम, मराठे और निजाम उसके प्रतिस्पर्धी थे हमेशा, अवसरवादी ये दोनों थे। ये दोनों जो है ये मराठे तो
सरदेश मुखी और चौथ के चक्कर में लूटपाट करते रहते थे, हमेशा आक्रमण कर देते थे, और निजाम अवसर देखता था, जैसा अवसर रहता था तुरंत पहुंच जाता था घर से। तो ये दोनों अवसरवादी थे और एक जो है प्रतिस्पर्धी थे हैदर अली के। उसके बाद जब अंग्रेजों ने लालच उनका बढ़ता गया, मैसूर राज पर उनकी नजर पड़ी जब, तो अब चूंकि उनको तो बहाना चाहिए ना, उनको क्योंकि पहले से तय था कि पूरा भारत विजय करना है, बस उनको बहाना चाहिए था, कभी ना कभी कैसा भी बहाना खोज के तुरंत लड़ाई कर देना चाहिए था, उनको यही हमेशा भाता था। तो जब मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो भारत के लोग भी ऐसे थे, दुष्ट प्रवृत्ति के, अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाते थे, उनको तो हार जाना है, अब अपना तो जाके मिल गए, जिसको हराने के चक्कर में उनको हार जाना है, प्लस अपना भी उसी में पीसे जाते थे, उनको दिमाग था नहीं। तो मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ में मिल गए जब आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। प्रथम युद्ध हैदर अली के साथ में अंग्रेजों ने चार युद्ध लड़ा था। तो प्रथम युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक, तो 1767 से लेकर के 1769 तक ये प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेज परास्त हो गए। और अंग्रेज जो अंग्रेज थे, मराठे थे, निजाम थे, ये तीनों लोग मिल गए थे, उसके बाद भी अंग्रेज परास्त हो गए, ये हैदर अली की कार्य कुशलता थी, उनके बल का परिचायक था। तो मद्रास की संधि हुई, जब अंग्रेज हार गए तो मद्रास की संधि हुई। भाई ऐसा नहीं है कि हैदर अली ने ही तुरंत जीत लिया था, ऐसा नहीं है, अंग्रेज चूंकि अंग्रेज शक्ति थी उनके पास, बंगाल विजय की थी उनके पास उन्होंने, तो मराठे और निजाम को साथ में लेकर के उन्होंने भी हैदर अली के बहुत सारे कुछ जगहों को जीता था, लेकिन हैदर अली ने उनका पूरा जीत लिया था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो एक संधि हुई जब, तो अपने अपने जीते गए राज्यों को वापस करना पड़ा, जो हैदर अली ने जीता था वो वापस कर दिया, जो अंग्रेजों ने कुछ भाग जीता था वो उन्होंने भी वापस कर दिया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, नोट करते चलिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हाँ, मद्रास संधि हुई थी 1769 में, लिख लीजिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच, अंग्रेज परास्त हुए, मद्रास संधि हुई 1769 में। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हम कर रहे हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ, क्या, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में फिर मराठे और निजाम अब की अंग्रेजों की तरफ नहीं थे, अब की हैदर अली की तरफ थे, अंग्रेज जो है अकेले पड़ गए। फिर भी देखिए, हैदर, निजाम और मराठे, ये तीनों एक साथ हो गए। जब एक साथ हो गए, उसके बाद उधर से, क्योंकि हमने कल आपको बताया था 1765 से लेकर के 1772 तक जो द्वैध शासन चला, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग आ गए, उन्होंने ही द्वैध शासन को खत्म किया था। अच्छा, 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आ गए, तो वो 1774 तक तो गवर्नर थे। उसके बाद 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट एक आया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उस 1773 के एक्ट में ये पारित हुआ कि जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाए। क्या, गवर्नर जनरल, क्योंकि तीन प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, तो जो गवर्नर जनरल बन जाता था वो तीनों प्रेसिडेंसी का मालिक हो जाता था। तो अब वारेन हेस्टिंग 1774 में भारत जो है गवर्नर जनरल बन गए, भारत के गवर्नर जनरल बन गए। वारेन हेस्टिंग जब आए 1772 में, उस समय वो गवर्नर ही थे, लेकिन 1774 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या हो गए, वो गवर्नर जनरल हो गए।
गवर्नर जनरल हो गए। तो चूंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी के मालिक हो गए, इन्होंने क्या किया कि आयरकूट को 1781 ईस्वी में भेजा हैदर अली से लड़ने के लिए द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्लो-मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर के 1784 तक। तो ये जब गवर्नर जनरल हो गए वारेन हेस्टिंग, तो इन्होंने आयरकूट को भेजा 1781 में कि जाओ और हैदर अली से युद्ध करो। तो आयरकूट जब आया तो इसने हैदर अली को पोर्टोनोवा का युद्ध, एक हुआ पोर्टोनोवा का युद्ध, तो उसमें हैदर अली को परास्त कर दिया। कैसे? हैदर अली घायल हो गया और परास्त हो गया। तो जब हैदर अली परास्त हो गया, तो उसका, हैदर अली का एक बेटा था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो था, हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। चूंकि वो कभी युद्ध लड़ा नहीं था, लेकिन बहुत कुशल था, बहुत कुशल शासक था और बहुत ही चतुर था। तो 1782 में टीपू सुल्तान के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई हैदर अली के मृत्यु के बाद। युद्ध खत्म नहीं हुआ, 1780 से शुरू हुआ था और यह खत्म हुआ 1784 में, और हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। तो 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो टीपू सुल्तान जो इनका बेटा था, इसके कंधों पर सारा बोझ आ गया। लेकिन ये तब भी लड़ा, लेकिन ये परास्त नहीं कर पाया अंग्रेजों को। जो भाग हैदर अली ने जीता था अंग्रेजों का और जो भाग अंग्रेजों ने जीता था हैदर अली का, फिर एक संधि हो गई। कब हुई? 1784 ईस्वी में। 1784 में संधि हो गई। किसकी? मंगलौर की संधि। ये सब संधियां आप नोट करते रहिए, ये सब संधियां क्रम लगाने के लिए पूछता है। 4 संधि दे देगा, कहेगा क्रम लगाओ। तो प्रथम युद्ध में मद्रास संधि हुई थी 1769 ईस्वी में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई कब? 1784 ईस्वी में। इसमें भी अपने अपने जीते हुए राज्य को वापस करना पड़ा, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो दो युद्ध तो हैदर अली के जमाने में ही हुआ था। अब तीसरा जब होगा तो देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि अगर कहानी के रूप में नहीं पता है तो कभी जिंदगी में बता पाएंगे। अब टीपू सुल्तान जब आ गया, मंगलौर की संधि हो गई, उसके बाद टीपू सुल्तान का कार्यकाल चला, टीपू सुल्तान के कार्यकाल में ही दो और आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, और 1784 ईस्वी में जब मंगलौर की संधि हुई, उस समय 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट आया था। 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1784 ईस्वी में क्या आया? पीट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना 1772 से 1774 तक। तो दूसरे थे वारेन हेस्टिंग। अब लॉर्ड कार्नवालिस आए
1784 में। तो 1784 से लेकर के उसके आगे की कहानी देखिए टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान क्या था, बहुत ही कुशल शासक था और पढ़ा लिखा था। चूंकि हैदर अली जो पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा वो जालसाजी के चक्कर में नहीं थे, टीपू सुल्तान ज्यादा पढ़ा लिखा था, समझदार था, अंग्रेजों की चालाकियों को समझता था। उस वो पढ़ा लिखा था, उसको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और कर्नाटकी भाषा यानी कन्नड़ भाषा, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। तो अब हैदर अली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में, टीपू ने 1787 ईस्वी में खुलेआम सभी लोगों के सामने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की, जबकि हैदर अली ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। इसने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और सिक्के भी चलाए, और इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। ये सब बातें नोट करने के लायक हैं, नोट करने के हिसाब से बहुत ही जरूरी हैं, ये इतना ताकत रखती हैं कि एग्जाम में आ जाएं। तो जो टीपू सुल्तान था उसने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और सिक्के भी चलाए, उन और टीपू सुल्तान के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। जो टीपू सुल्तान था वो सभी धर्मों का आदर करता था, धर्मनिरपेक्ष था, कट्टरवादी नहीं था। उसने क्या किया कि उस समय अंग्रेजों को हराने के लिए बाहरी देशों से सहायता मांगी, जैसे मॉरिशस, फ्रांस, अरब आदि चार छह देशों से सहायता मांगी और अपने दूत भी भेजे, फ्रांसीसियों से मित्रता वाला व्यवहार किया उसने। जब फ्रांसीसियों से मित्रता वाला व्यवहार किया, अब चूंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कांटे की टक्कर चलती थी उस समय, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पटक ही दिया था, तो फ्रांसीसी ज्यादा नहीं बचे थे, थोड़े बहुत छुटपुट मात्रा में बचे थे। तो जिस एरिया में फ्रांसीसी थोड़ा बहुत बचे थे, माहे में, तो माहे जो था माहे में बचे थे, माहे मैसूर के अंतर्गत ही आता था मैसूर के। तो टीपू सुल्तान ने इनसे मित्रवत व्यवहार किया और इनसे भी, चूंकि फ्रांस से भी उसने सहायता मांगी अंग्रेजों से निपटने के लिए। और फ्रांसीसियों ने एक जो है क्लब में एक सदस्य के रूप में टीपू सुल्तान को उस क्लब में शामिल कर लिया। उस क्लब का नाम जो है उस क्लब का नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन वो फ्रांसीसियों का एक जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उससे बहुत प्रभावित था टीपू। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसी के संदर्भ में एक जो है एक संस्था बनाई गई थी, उसी संस्था में टीपू सुल्तान को सदस्य बना लिया और टीपू सुल्तान बन भी गया। तो इस हिसाब से टीपू सुल्तान कई बाहरी देशों से अंग्रेजों को हराने के लिए सहायता मांगा, अपने दूत भी भेजा। ये चीज अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा, बोले कि हमारे दुश्मन से हाथ मिलाता है और हमसे लड़ेगा। तो उस समय कौन था, हमने बताया लॉर्ड कार्नवालिस। उस समय कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस। तो उस समय लॉर्ड कार्नवालिस थे। टीपू ने और क्या किया, जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी वो खत्म कर दिया, और किसानों से प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप से सीधा
मुलाकात करके संवाद किया, उनकी समस्या सुनी, उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो ये कहने का मतलब है बहुत ही कुशल शासक था, बहुत ही दिमाग था, पढ़ा लिखा था। तो अब चूंकि अंग्रेजों को बुरा लगा, अंग्रेजों को बुरा लगा क्यों? क्योंकि उन अंग्रेजों ने देखा ये और बाकी देशों से सहायता मांग रहा है और उस संस्था से भी जुड़ा हुआ है और इसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, हमसे लड़ाई करेगा। इसी चक्कर में उनको बुरा लगा क्योंकि वो तो मैसूर खुद ही हड़पना चाहते थे। तो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध इसी में अंग्रेजों ने कर दिया। तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध, तीसरा, पहला दूसरा आप जान गए, अब तीसरा कब हुआ? 1790 से 1792 के बीच, 1790 से 1792 के बीच। अब 1790 के से 1792, चूंकि 84 में हमने बताया कि जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा था भारत का गवर्नर जनरल बना करके, उसके बाद तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने क्या बहाना बनाया? कहा कि जो है ये गुप्त समझौता कर रहा है, किससे? फ्रांसीसियों से, हमको हराने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए इन्होंने एक बहाना पाया और हमला कर दिया 1790 से 1792 के बीच। और इस हमले में अंग्रेज, ये मराठे और निजाम बहुत बहुत बदतमीज किस्म के थे, अंग्रेज प्लस मराठे प्लस निजाम, ये तीनों क्या हो गए? एक हो गए। और इन तीनों ने एक होकर के किस पर हमला कर दिया? टीपू पर हमला कर दिया और फिर जो है जीत लिया 1792 में। 1792 में टीपू हार गया। इन लोगों की वजह से हार जाता था, ये दोनों अगर इसके साथ ही रहते तो अंग्रेज क्यों जीत पाते? तो 1792 में टीपू हार गया, 1792 में टीपू हार गया। और जब हार गया उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि मैसूर राज्य को आधा ले लिया, यही समझौता हुआ कि मैसूर राज्य को आधा ले लिया, आधा मैसूर राज्य प्लस, छोड़ा नहीं, अभी कहा 3 करोड़ रुपए दो, 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में, और नहीं दोगे तो तुम्हारे दोनों बेटों को नहीं छोड़ा जाएगा। दोनों बेटों को, टीपू के दोनों बेटों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और कहा 3 करोड़ रुपए दो, जब तक नहीं दोगे बेटों को नहीं छोड़ेंगे। देना पड़ा, वो वैसे ही याद मरा था, आधा राज्य दे दिया था, उसके में बचा ही नहीं था कुछ। तो 1792 में टीपू हार गया, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। तो उसके बाद अंग्रेज फिर भी नहीं माने, फिर हुआ चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध और अंतिम चतुर्थ आंग्लो, डेट याद रखिएगा कब हुआ, कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि कब हुई, मैसूर युद्ध। ये चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। अच्छा, 1798 में ये जब चले गए, कौन, 1784 में जो आए थे वो जब चले गए, तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलिंगटन आया। लॉर्ड वेलिंगटन, जितने भी भारत के गवर्नर जनरल हैं उनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और अलग से नहीं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आप भटक जाएंगे, अलग से उनको बताऊंगा, उनके कार्यकाल को बताऊंगा, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीजें बताऊंगा।
अभी मैं आपको मैसूर पर अंग्रेजों की विजय पढ़ा रहा हूँ। तो लॉर्ड विलेजली कब आए? 1798 ईस्वी में। तब ये जब आया, ये सबसे बड़ा चतुर आदमी था, ये सहायक संधि लेकर आया। क्या सहायक संधि? अब सहायक संधि समझिए क्या है। सहायक संधि का मतलब होता है, अब चूंकि जब 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद टीपू के बारे में जो हमने बताया पूरा, फिर जो है 1790 से लेकर 92 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब खत्म हुआ, आधा राज्य टीपू ने दे दिया और 3 करोड़ रुपया दे दिया, उसके बाद में जब ये आए लॉर्ड विलेजली, तब तक तो मामला शांत था। तो लॉर्ड विलेजली जब आए 1798 में, तो इनकी भी वही नीति थी कि भारत पर पूरा कब्जा करना है, यही ठान के पूरा अंग्रेज बिल्कुल ठान लिए थे। तो ये सहायक संधि लेकर आए। सहायक संधि का मतलब हुआ कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आपके यहाँ आपके राज्य में अपना सैनिक भेजेंगे, और जो बाहरी देशों से या किसी से मित्रता करना है या शासन व्यवस्था की बात है वो सब हम देखेंगे, आपको सुरक्षा देंगे बस, और जो सैनिक आपके राज्य में भेजेंगे उनका खर्चा भी आप देंगे, और बाहरी आक्रमण आप पर कोई नहीं होगा, और हमसे तो आप बचे ही हैं। तो ये थी सहायक संधि। इन्होंने क्या किया सॉरी इन्होंने इन्होंने टीपू के पास एक प्रस्ताव भेजा। कैसा प्रस्ताव भेजा? इन्होंने ये प्रस्ताव भेजा विलेजली ने कि सहायक संधि हमसे कर लो, हम आपको सुरक्षा देंगे, बाहरी राज्यों का आक्रमण नहीं होगा, और हमसे भी आप बचे रहेंगे, बस हमारी सेना को आपका चारा दायित्व रहेगा, खर्चा पानी सब आप देखिए, और बाहरी देशों से आप मित्रता भी नहीं करेंगे, हमसे पूछ लेंगे तब करेंगे। तो टीपू ने मना कर दिया। टीपू ने क्या किया? मना कर दिया, कहा हम सहायक संधि स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब टीपू ने मना कर दिया तो गुस्सा में क्या हुए, लाल हो गए और गए आक्रमण कर दिए। आक्रमण जब कर दिए तो लड़ाई हुई, तेज लड़ाई हुई, और टीपू वैसे भी कमजोर हो चुका था, वो लड़ते लड़ते जो है लड़ाई करते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 को हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और पूरे मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उसमें से थोड़ा भूभाग जो बचा था, वाडियार वंश के एक जो है दो महीने का बच्चा था, उसको वहां का राजा बना दिया गया। सारा तो कमांड अपने ही हाथों में अंग्रेजों ने ले लिया, क्योंकि पूरा मैसूर छका ही लिया, पूरा मैसूर कब्जिया लिया। अब वाडियार वंश के एक जो 2 महीने का बच्चा था, उसको थोड़े से भूभाग में जो भी थोड़ा सा बचा था उसको नहीं लिया और वहां का उसको राजा बना दिया। इस तरह से पूरे मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो लड़ाइयाँ 4 लड़ी, हैदर अली के शासनकाल में 2 लड़ाई लड़ी गई। मेन पॉइंट एक बार हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध,
पहला 1767 से 1769, 1767 से 1769 इसमें कौन था, इसमें संधि कौन सी हुई थी 1767 से 1769 के बीच संधि कौन सी हुई थी। अभी हमने आपको बताया कि इसमें मद्रास की संधि हुई थी, इसमें मद्रास की संधि कब हुई थी 1769 में। मेन मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर द्वितीय आंग्ल मैश युद्ध कब हुआ 1780 से 1784 के मध्य, इसमें संधि कौन सी हुई मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि 1784 में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अच्छा द्वितीय जो संधि हुई थी ये आयरकूट था, आयरकूट और पहले में कौन था 1774 तक वारेन हेस्टिंग था, 72 में आया था, उसके पहले यही थे लॉर्ड कार्नवालिस, कौन थे कार्नवालिस। दूसरे में आयरकूट था और जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर 1792, 1790 से लेकर 1792 यहां पर कौन था, यहां पर ये युद्ध 1790 से लेकर 1792 इसमें कौन सी संधि हुई थी, इसमें श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। पूछा जाता है रंगपट्टनम संधि, इसमें श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी, अपने अपने जीते राज्यों को वापस करना, नहीं नहीं इसमें आधा राज्य टीपू को देना पड़ा था, श्री रंगपट्टनम आधा राज्य देना पड़ा था और 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे। अच्छा और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर विजय हो गया था, कब 1799 में, कौन था लॉर्ड वेलेजली। तो आज हमने मैसूर पर अंग्रेजों की विजय आपको बता दी, मेन मेन पॉइंट आपको हमने बता दिए। यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्रम लगाने के लिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कार्नवालिस था 1767 से 69 तक मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आयरकूट था 1780 से 84 तक मंगलौर की संधि हुई, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से मैसूर विजय हो गया 1799 कौन था लॉर्ड वेलेजली। देख लीजिए साथियों यहाँ कार्नवालिस यहाँ पर वो था भाई 65 से 72 तक जो द्वज शासन लेके आया था लॉर्ड क्लाइव, दिमाग से उतर जाता है लॉर्ड क्लाइव। तो बहुत बहुत साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा पाएगा ये जान लीजिए, इससे बढ़िया आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा नोट्स बनाते रहिए, जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे वैसे मैं तो बताता ही रहता हूँ। और आप लोग सलाह मशवरा भी दें हमें, कमेंट करें कि क्या खामी है क्या दिक्कत है, ताकि हम क्लास को और ज़्यादा बढ़िया बनाएं, इंटरेस्टेड क्लास बनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।